बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम पशुपालन खेती से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं। उनसे संबंधित विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही विषय पर विस्तृत चर्चा भी करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, और साथ ही आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज किन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नज़र डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा जो विषय है वो है गर्मियों में पशुओं का रखरखाव किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पारा काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में रखरखाव कैसे करें। और साथ ही हम बात करेंगे मछली पालन पर भी, यानी पशुओं का रखरखाव किस तरह से करें इस मौसम में और कौन कौन से गर्मियों के रोग हैं जो पशुओं को घेर सकते हैं, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिनसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 1800-113-060, दूसरा नंबर 1800-113-061, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही अब आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं जिस पर आप अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8800-520-717। और इसके अलावा हमारा ईमेल पता भी देख लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है, टोल फ्री नंबर्स हैं, उस पर भी कॉल कर अपने सवाल हमें बता सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अपने दर्शकों से कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखने की हम यहाँ पर गुजारिश करते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ऐसी जगह से ही कॉल करें जहाँ पर पूरा नेटवर्क आए और आसपास ज़्यादा शोर ना हो, ताकि हम स्पष्ट रूप से आपके सवालों को सुन सकें। इसके अलावा जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने शब्दों को कम रखने की कोशिश करें, यानी अपने पूरी बात कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र के बारे में भी कॉल के जरिए ज़रूर जानकारी दें। इसी तरीके से व्हाट्सएप करते हुए भी आप जब टेक्स्ट करें तो अपने सवाल को स्पष्ट रूप से लिखें, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी मेंशन करें, और इस बात का ध्यान आप ईमेल में भी रखें। दर्शकों को ये भी बता दें कि चाहे वो आपकी कॉल हो या व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपकी ईमेल हो, लाइव तुरंत हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, यानी जैसे आप हमें ईमेल करेंगे उसे हम अपने विशेषज्ञ के समक्ष रखेंगे, उसका जवाब लेंगे। तो जैसा कि आज के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे दो खास मेहमान जो कि अगले घंटे तक हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे आपके सवालों के जवाब के लिए और विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए। हमारे साथ डॉक्टर भूषण त्यागी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप अपर आयुक्त हैं पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में, और जो हमारा आज का पहला विषय है यानी गर्मियों में पशुओं का रखरखाव किस प्रकार से करें और कौन कौन से रोग और बीमारियाँ इस गर्मी में उन्हें घेर सकती हैं, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लक्षण कैसे पहचाने और अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो उपचार किस प्रकार से किया जाए। और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, डॉक्टर उत्तम कुमार सरकार जी हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। सर, आप निदेशक हैं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से, और जो हमारा आज का दूसरा विषय है यानी मछली पालन, उस पर हम आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। स्वागत है दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में। तो दोनों मेहमानों से आपकी मुलाकात हमने करवा दी है, और आइए आज का जो हमारा पहला विषय है यानी गर्मियों में पशुओं को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां उन्हें अपने जद में ले सकती हैं, इसको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पारा बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, हीट वेव्स चल रही हैं, 46, 45, 47 तक पारा जा रहा है, और कई क्षेत्रों में तो सर इससे भी ज़्यादा है, ये कहना गलत नहीं होगा। राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बीते 7 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है गर्मी के मामले में। हम मनुष्य कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठंडा पी लेंगे, कूलर एसी लगा लेंगे, लेकिन
पशु जो है वो बेजुबान होता है, वो हमारे भरोसे ही है। तो पशुओं को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस मौसम में क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें स्वस्थ रखें? अंजू जी, देखिए हमारे इस मौसम में काफ़ी गर्मी अभी बढ़ भी गई है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी भी है, तो पशुओं को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। हम बड़े पशुओं को कैसे बचाएं, इसकी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने पशुओं को ठंडी जगह पर बांधें, यानी कहीं पर छाया में बांधें। अगर आपके पास में कुछ उसके लिए घर आपने बनाया हुआ है तो घर को भी ठंडा रखें। पंखे लगा सकते हैं आप, अगर आपके पास में होल्स्टीन फ्रीजन गाय है या जर्सी गाय है तो उनके लिए पंखों की ज़रूरत इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। कभी भी आप गर्म पानी अपने पशुओं को ना पिलाएं, तो पशुओं को ताज़ा ठंडा पानी अगर पिलाएंगे तो पशुओं में जो क्षमता है धूप सहने की और दूसरी चीज़ें सहने की, ऊष्मता सहने की जो क्षमता है वो ठीक ठाक रहेगी आपके पशु में, नहीं तो वो काफ़ी कम हो जाएगी, पशु जल्दी से बीमार भी पड़ जाएगा। इस मौसम में एक बीमारी आती है जिसे हम कहते हैं एफिमरल फीवर, वो 3-day sickness नाम से जानी जाती है। उसमें 3 दिन पशु को बुखार रहता है, तो आप अगर आपके पशु को लग रहा है कि बुखार आ रहा है, चारा कम खाना शुरू कर दिया है और आपको लग रहा है दूध का उत्पादन भी उसका कम हो गया है, तो आप अपने पशु को नज़दीकी पशु चिकित्सक को जरूर दिखा लें, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ एंटीबायोटिक की दवाइयां देनी पड़ें या कुछ ऐसी दवाइयां देनी पड़ें जिससे कि बुखार उसका तेज़ी से कंट्रोल हो जाए। साथ ही साथ मैं पशु पालकों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस मौसम में कुछ वैक्सीन भी लगाए जाते हैं, तो आप अपने पशुओं में वैक्सीन भी जरूर लगवा लें। जैसे गलघोंटू की बीमारी एकदम से बरसात के बाद में शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे, क्योंकि जून 15 से हमारी बरसात शुरू हो जाती है कई इलाकों में, तो उससे पहले अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो गलघोंटू से आपके पशुओं का बचाव हो सकता है। गलघोंटू भैंसों में ज्यादातर आती है, तो इससे बचने का जरूर आप ध्यान रखें कि गलघोंटू से आपको बचना है। पशुओं को सूखी जगह पर बांधें, गीला ना होने दें, उसका घर अगर है तो अगर गीला रहेगा तो हाइजीनिक की प्रॉब्लम हो सकती है। इस मौसम में देखिए, आपका चाहे वो आहार हो, चाहे आवास हो, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जो वैक्सीन है पशु के को स्वस्थ रखने के लिए, इन सब का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो बारी बारी से हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि बदलते मौसम, मतलब अभी तो गर्मी है लेकिन जब मौसम बदलेगा, जब बरसात दस्तक देगी, उस वक्त के लिए अभी से कैसे प्रिपरेशन करनी, क्योंकि बहुत समय बाकी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आज की जो हमारी पहली रिपोर्ट है, यानी गर्मियों में पशुओं को हम कैसे स्वस्थ रखें, कौन सी बीमारी, कौन से रोग उन्हें घेर सकते हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी का असर अपनी तेजी पर है, देश के कई हिस्सों में लू भी चल रही है और तापमान भी काफी ऊपर जा रहा है। ऐसे में बढ़ता तापमान पशुओं की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इस समय पशु के आहार और उनके रहने के स्थान पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन उन्हें गर्मियों में होने वाले रोगों से बचाना भी जरूरी है। गर्मी बढ़ने पर पशुओं में हीट स्ट्रोक की आशंका ज्यादा रहती है। गर्मी के मौसम में पशुओं में हफनी की शिकायत भी बढ़ जाती है, साथ ही भूख में कमी भी आ सकती है, जिस कारण इसका सीधा असर दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता पर पड़ता है। जैसे ही पशुओं में गर्मी का असर या किसी रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत किसी पशु चिकित्सक को दिखाएं। इसके अलावा गर्मी के कारण पशु को स्ट्रेस या व्याकुलता हो सकती है, बचाव के लिए पशुओं के रहने वाली जगह में ताप नियंत्रण के उपाय करें, पेट के कीड़े और बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के उपाय भी करें। कोशिश करें कि पशु को दिन में एक बार जरूर नहलाएं, साथ ही पशु के शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे इसके लिए समय समय पर उन्हें पानी पिलाते रहें। पशुओं को छांव वाली जगह पर रखें, हरा चारा और संतुलित आहार दें। पोषक तत्व की भरपाई के लिए संतुलित आहार के साथ साथ मिनरल मिक्सचर देना भी फायदेमंद रहता है। इससे दुधारू पशुओं की सेहत ठीक रहेगी और उनकी दूध देने की क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया कि इस गर्मी का प्रभाव हमारे पशुओं पर किस तरह से हो सकता है। विशेष तौर पर जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे हम चर्चा करेंगे, आप अपने सवाल, आज के विषय से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय की, जो है मछली पालन से जुड़ा हुआ। तो आइए हम डॉक्टर उत्तम का रुख करते हैं। सर, मछली पालन की हम बात करें, और देखिए क्योंकि हम साथ ही साथ गर्मी की बात कर रहे हैं और हीट स्ट्रेस की बात कर रहे हैं,
तो मछली पालन में भी हमारे, मुझे लगता है जो मछली पालक हैं उन्हें इस बढ़ते हुए तापमान को लेकर अवश्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं जो बहुत एविडेंट है, जो बहुत ऑब्वियस एक सिचुएशन है। जी सर। हाँ नमस्कार। ये मछली पालन जो है, ये हम जहाँ से बोल रहे हैं, जो संस्थान है और राष्ट्रीय मत्स्यानुवंशिक संसाधन ब्यूरो, इसमें आप लोगों को जानने के लिए हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जो हमारे देश में, लगभग 3500 से ज्यादा प्रजातियों का मछली अभी तक पाया गया है, जिसमें से हम फार्मिंग जो करते हैं, जिसमें दैट मीन्स हम जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लगा के जो फार्मिंग करते हैं तालाबों में, रिजर्वर में, पॉन्ड में, इसमें से लगभग मान लीजिए 20 से 25 प्रजातियों का मछली जो है हम लोग इसमें पालते हैं। बट इसमें जैसे कि आपका बीमारियों का फैलता है, जब भी मछलियों में क्या होता है ना, आपका गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा बीमारी नहीं दिखा देता है, ये एक अच्छा चीज है। और विंटर का टाइम मछलियों में बीमारी दिखता है, क्योंकि आप मान लीजिए आपका बहुत सारा सोर्स आ जाता है, अल्सर सिंड्रोम आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीड्योर है। दवाई भी हमारा संस्थान से हम लोगों ने विकसित किया है, जो कि उनील एक प्रोडक्ट है, उसको फिर हम लोग 500 ml पर एकड़ पर मीटर में डाल देते हैं, तो फिर वो जो अल्सरेटिव सिंड्रोम जो है मछलियों का तालाब में जो होता है विंटर का टाइम पर्टिकुलरली, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। इसका टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कमर्शियलाइज कर लिया ऑलरेडी और हमारे संस्थान में यह उपलब्ध है। और आप गर्मियों का बात करें तो इसमें एक होता है, जो मान लीजिए जो स्ट्रेस कंडीशन ना हो, उसके लिए थोड़ा सा नेटिंग करना है। नेटिंग मीन्स जाल लगा के मछलियों को थोड़ा थिनिंग कर देना चाहिए, मीन्स स्टॉकिंग डेंसिटी कम तालाब में मान लीजिए कम करना है, यानी मछलियों की संख्या कम कर दे, इसका सीधा सीधा मतलब मछलियों का थोड़ा थिनिंग करना है। थिनिंग करके उसको आइदर सेल कर दे, बस एग्रीगेट कर दे, सो दैट ज्यादा उसमें स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर उसमें ज्यादा कोई बीमारी बा ऑक्सीजन डिप्लीशन ये सब चीज नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे मछली प्रजातियों है जिसमें हाई टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंट के लिए भी वो काफी वो देता है, जैसे कि आप मान लीजिए मागुर, सिंगी, कोई है ना, जो आपका पब्दा ओम्पक बायमाइकुलेटा, तो बहुत सारा वेराइटी जो फिशेस हमारे पास उपलब्ध है, जो हम पालन करेंगे रोहू कतला मृगल का साथ, तो उसका असर जो है पॉजिटिव ही आता है, कोई ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें आता नहीं है। ओनली थिंग इज दैट तालाबों में मान लीजिए ग्रीन कलर हो गया, डार्क ग्रीन कलर हो गया, तो उसमें युगलिना एक एल्गी होता है, वो आपका चोक कर देता है ऑक्सीजन आना आना जाना में सुबह का टाइम, इसलिए वो देखना है, जो कलर को ध्यान देना है, पीएच का मात्रा 6.5 to 7.5 हो, वाटर डेप्थ जो है एटलीस्ट 1 meter का आसपास हो, है ना। जी, और जी सर, ज्यादा एल्गी से ज्यादा दूर रहना है। एल्गी होगा तो फिर एल्गी को खाने वाला जो मछली है उस टाइप का कुछ हम उसमें छोड़ेंगे, थिनिंग करेंगे, तो ये सब कुछ प्रिकॉशन लेंगे, लाइविंग करेंगे, जो साइंटिफिक परिचर्या किया जाता है तालाबों में अच्छा मछली को ग्रोथ कराने के लिए, वो फॉलो करना है। हमारे पास एस्टेब्लिश गाइडलाइन है जो छोटे तालाब के लिए, बड़े तालाब के लिए। सर, तो आपसे हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि छोटे तालाब बड़े तालाब को लेकर मछली पालकों को क्या करना है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ जो लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं मछलियों की, अच्छी बातें हैं कि वो हीट स्ट्रेस उनका असर इतना उनमें नहीं दिखाई देता है, वो काफ़ी इतनी संवेदनशील नहीं है गर्मियों को लेकर के, तो ये अच्छी बात है। आगे हम आपसे सर और डिटेल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मछली पालन व्यवसाय एक तेजी से विकसित होता हुआ व्यवसाय है। ये व्यवसाय देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। मछली पालन के लिए कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए, जैसे इसके लिए अच्छी गुणवत्ता के बीजों का ही उपयोग करें। मछली पालन के लिए सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके तैयार करें। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम एक फिंगर लिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास बाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे साल कम से कम 1.5 meter पानी का स्तर बनाकर रखें।
बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव ना पड़े इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर सकते हैं। पहली बरसात में तालाब में पानी आने पर कभी कभी मछलियाँ तालाब की तली में सड़ती गलती खाद और वनस्पतियों के कारण ऑक्सीजन के अभाव में ऊपर आकर परेशान सी टहलने लगती हैं और व्यवस्था न होने पर मर भी जाती हैं। ऐसे में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे देश में मछली पालन रोजगार का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और इसके साथ ही हमारी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में भी मछली पालन का, मछलियों का योगदान है। आगे हम और विस्तार से बात करेंगे और साथ ही हमें आपकी कॉल्स का, आपकी ईमेल्स और व्हाट्सएप सवालों का इंतज़ार है। ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारा मकसद भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें और उनका निवारण भी साथ ही साथ करते जाएं। इसमें मदद करते हैं हमारे विशेषज्ञ। चलिए अब जो हम गर्मियों में रोग और बीमारियों की बात करते हैं तो एक बार फिर से उस विषय पर आते हैं। तब तक आप कॉल वगैरह हमें करते रहें। सर, गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से प्रभावित होते हैं खासतौर पर हमारे जो बड़े पशु हैं, और मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ जिसका जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे पशुओं को? देखिए, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावी करते हैं हमारे दूध देने वाले पशुओं को। दूध का उत्पादन एकदम से कम हो जाएगा, साथ ही साथ पशु चारा भी इस मौसम में काफ़ी कम खाता है। तो इसको चारा देने के समय अगर आप देखें किस समय पर चारा दिया जाए, तो सही समय पशु के लिए ये है कि सुबह के समय में हम उसको चारा खिलाएं, साथ ही साथ शाम के समय में उसको चारा खिलाएं। दोपहर में अगर हम उसको चारा खिलाते हैं तो पशु वो चारा उतनी मात्रा में नहीं लेगा और जो तत्व उसके शरीर में जाने चाहिए दूध उत्पादन के लिए, जो जरूरी तत्व हैं, उनकी कमी उसके शरीर में हो जाएगी। साथ ही साथ पशु को जो पानी पिलाने की बात मैं कर रहा था सुबह, तो सुबह ठंडा पानी आप अपने पशुओं को दें। धूप में कई पशुपालक धूप में पानी रख देते हैं, फिर उसको अपनी गाय या भैंस को पिलाते हैं तो वो भी काफ़ी नुकसानदायक रहता है। तो पशु को पानी पिलाने का समय भी आप सुबह ही रखें या शाम को रखें, जिससे जिस समय पर आपको ठंडा पानी मिल सके। पशु को ठंडी जगहों पर बांधना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, हीट स्ट्रेस से बचा जा सके, क्योंकि उत्पादकता अगर कम हो जाती है पशु की तो आपकी जो इनकम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो उसके ऊपर असर ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पशु का विशेषकर ख्याल रखें। कुछ बीमारियां भी हैं जो पशुओं में आ जाती हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि पशु के पेट में कीड़े हो सकते हैं इस मौसम में, तो कीड़ों की दवाई दी जा सकती है आपके पशु के पशु पर। हाँ, डीवर्मिंग करना चाहिए, पर आप पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगर पशु चिकित्सक से आप सलाह लेंगे तो सही मात्रा में वो आपके पशुओं को दवाई देंगे, नहीं तो अन्यथा क्या होता है, अधिक मात्रा में हम अपने पशुओं को दवाई दे देते हैं जिससे दवाई का भी नुकसान होता है साथ साथ हमारे पशुओं को भी नुकसान हो जाता है। कभी भी आप अपने प्रेग्नेंट एनिमल को, जो गाभिन पशु हैं आपके, उनको कीड़े की दवाई ना दें। पेट के कीड़े की दवाई अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि उनका गर्भपात हो जाए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज़्यादा दूर घूमने ना जाए इस मौसम में, क्योंकि जितना ज़्यादा पशु घूमेगा उतनी एनर्जी उसकी एक्सपेंस होगी, एनर्जी जब एक्सपेंस होगी तो पशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। मैं गलघोंटों की भी बात कर रहा था, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आएगा आपके पशुओं में गलघोंटों की बीमारी हो जाती है, तो उसका भी ख्याल आप जरूर रखें और गलघोंटों को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, गलघोंटों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि जैसे बारिश आने वाली है, आर्द्रता बढ़ जाएगी और गलघोंटू जो है वो काफ़ी हम देखते हैं कि उसका प्रभाव होने लगता है पशुओं में, तो क्या करना चाहिए अभी से उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हैं, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं। ताराचंद जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। ताराचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? अरे पर वो टीवी पे तो आ ही नहीं रहा मेरा नाम। जी टीवी पे नहीं आ रहा, मैं तो देख पा रही हूँ आपका नाम ताराचंद जी। अच्छा अच्छा, दिखाई दिया आपको? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ। ताराचंद मैडम बताइए, देखिए आपका नाम भी आ गया है सामने स्क्रीन पर, आप सवाल बताइए। मैडम मैडम पहले तो नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार नमस्कार। हेलो जी, मैंने टैंक बनाया है 14x28 का, 14x28। क्या बनाया आपने? टैंक बनाया है 14x28। मछली मछली के बारे में जानना, ठीक है। हाँ, आगे मतलब उसमें कितनी और कौन सी मछली पाल सकता हूँ? 14x28 का बनाया ना आपने? हाँ, और 6 फीट हाइट है उसका, 6-7 फीट हाइट है।
ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे, ताराचंद जी फोन नहीं काटिएगा। डॉक्टर उत्तम हमारे दर्शक हैं, ताराचंद जी जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें ये कॉल किया है और इन्होंने टैंक बनाया बता रहे हैं 14x28 का और इसकी ऊंचाई है 6 फीट। तो ये मछली पालन करना चाहते हैं, क्या मछली पालन इसमें किया जा सकता है, कौन सी मतलब कौन सी मछलियों की प्रजातियों का इस्तेमाल करें? मध्य प्रदेश तो ये जो है, ये तो आपका छोटा पॉन्ड है, छोटा तालाब है ना, इसमें वो इंडियन मेजर क्राप्स जो होता है रोहू कतला मृगल, इसको भी पाला जा सकता है। इसमें 3:4:3 का स्टॉकिंग डेंसिटी में ये मछली उसमें डाल सकता है, ठीक है ना। और मछली डालने का साथ साथ उसको देखना है जो 2-3% तक बॉडी वेट में खाना, टोटल मछली जो वहाँ पे छोड़ेंगे उसका 3% तक बॉडी वेट जो है जितना आता है उस हिसाब से खाना उसमें देना है, दिन में सुबह एक बार शाम को एक बार। आप मान लीजिए 3% हम करेंगे तो उसका टोटल 1 किलो 1.5 किलो होगा, तो उसको आधा करके 750 ग्राम मॉर्निंग में और शाम को फिर 750 ग्राम ऐसे करके देंगे तो फिर उसमें फीड का एक्सेप्टेबिलिटी अच्छा होगा। और वो देखना है जो हम जो क्वालिटी सीड जो लाएंगे वो कहाँ से ला रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, जो हैचरी से जो होता है, जो इनब्रीडिंग जो सीड होता है जो है वो आता है ना, उसमें मिक्सचर आ जाता है, तो एक ही ब्रूड स्टॉक से जब मछली का बच्चा पैदा करता है तो क्या होता है ना, उसमें जेनेटिक डिप्लीशन है और उसका ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। इसलिए वो क्वालिटी सीड जहाँ से ला रहा है वो थोड़ा अच्छा जेन्युइन रिसोर्स से लाए और हम लोगों से संपर्क करें तो हम लोग बता देंगे जो कौन सा हैचरी से कौन सा फार्म से सीड लेगा तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा और उसका आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो उसका बारे में डिटेल जानकारी करने के लिए हम ताराचंद जी को अनुरोध करेंगे, हमारा जो फोन नंबर है वो रख दे, इंस्टीट्यूट का नंबर है, डायरेक्टर का भी नंबर है, उससे वो कोई भी असुविधा हो डिटेल जानकारी कहाँ से सीड मिलेगा सर आप हमें संभव हो तो थोड़ी देर में नंबर भी बता दीजिएगा जो जिस नंबर के बारे में आप बता रहे हैं। मेरा नंबर हम अभी भी बता सकते हैं, माय नंबर इज 7980405659 7980405659। इस नंबर पे कुछ भी आपका क्वेरी हो मछली पालन का संबंधित तो हमारा संस्थान से हम रहेंगे, नहीं तो कोई भी वैज्ञानिक उसको जवाब दे देंगे, उनका कुछ भी उसका हेल्प हो, साइंटिफिक फिश पर कल्चर कैसे करेंगे, कहाँ सीड लाएंगे, क्या कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इनकेस हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और मैं अपने दर्शकों के लिए नंबर रिपीट कर देती हूँ, ये है 7980405659, एक बार फिर से नोट कर लें, 795669 है, एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, ये 7980405669। तो मैं डॉक्टर सरकार मैंने सही सब नंबर बताया, ये जो आपने बता रहे थे 7980405659 राइट 5659 ठीक है, तो लास्ट में 5659 है, तो आप नंबर आप मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप नहीं नोट कर पाए तो बाद में ये कार्यक्रम हमारा YouTube पर भी अवेलेबल रहेगा, फिर से देख करके आप नंबर नोट कर सकते हैं। और एक दर्शक हैं उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरे एक गाय है, जर्सी गाय है। दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे हैं ना? जी ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बताइए जर्सी गाय आपके पास है, हाँ आगे बताएं। जी वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, गाभिन है। ठीक है आगे बताएं। तो उसको कीड़े हो, कीड़े पड़ गए शरीर में, किलनी बोलते हैं अपने इधर, तो उसको छुटकारा उससे दिलाने के लिए क्या किया जाए? परजीवी सर जी। दिग्विजय जी आपके पशु में आप बता रहे हैं परजीवी हो गए हैं, किल्लियाँ पड़ गई हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने पशु चिकित्सक से दवाइयाँ लिखवा सकते हैं। वैसे बाजार में भी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे ब्यूटॉक्स नाम की एक दवाई आती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दवाई में जिस मात्रा में दवाई दी जानी है वो मात्रा का आप विशेष ख्याल रखिएगा, और उसमें उतने ही ढक्कन पानी में दवाई डालिएगा जितने ढक्कन उसमें लिखा गया है कि 5 लीटर पानी में 1 ढक्कन दवाई डालनी है या 2 ढक्कन दवाई डालनी है, उसके बाद उसके शरीर पर लगाना है। गाय अपने शरीर को, शरीर से दवाई को चाट ना ले, उसका भी विशेष ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही साथ कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जो इंजेक्शन बाजार में अवेलेबल है उनका भी उपयोग किया जा सकता है, पर ये सारी सावधानी के तौर पे रखना है आपको, क्योंकि गाय आपकी प्रेग्नेंट भी है, 5 महीने की गाभन है, तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए,
तो बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना होगा। वैसे तो आप सूखी जो राख होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरफ बाल होते हैं पशु के शरीर में उसके अगेंस्ट में उस राख को पूरी तरह से अच्छे से छान कर फिर उसके शरीर पर आप उसको मल दें, सूखी राख को ही, उसके बाद में अपने पशु को नहला दें तो काफ़ी सारी किल्लियाँ उससे भी मर जाती हैं, क्योंकि जो किल्लियाँ होती हैं पशु के बालों के अंदर में घुसी होती हैं या कान के आसपास में बैठी होती हैं, तो उसका आप ध्यान रख कर करें और पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मेरी यही सलाह हमेशा रहती है पशुपालकों के लिए कि पशु चिकित्सक की सलाह लें, नहीं तो आपके पशु को कोई नुकसान भी हो सकता है। अच्छा सर, क्या ये मैनुअली भी निकाली जा सकती हैं या दवाएँ लगानी पड़ेगी? कई बार किसान सोचते हैं कि हम नोच नोच के निकाल दें। बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी किल्लियाँ इस तरह की होती हैं, उनके फिर अंडे भी उनके बालों से चिपके होंगे तो वो निकालने में काफी परेशानी होगी। पर अगर आप राख को मलेंगे तो जब राख को हम हेयर के अगेंस्ट मलते हैं, मतलब बालों के विपरीत दिशा में, तो वो किल्लियां काफी मर जाती हैं, निकल जाती हैं और उसको फिर नहला दें। साथ ही साथ आप ब्यूटॉक्स नाम की दवाई का उपयोग कर सकते हैं, बाजार में मिलती है, उसके ऊपर सारी विवरण लिखा होगा दवाई के ऊपर कि कितनी ढक्कन आपको दवाई कितने पानी में मिलानी है। जैसा सर आप भी बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी गाय गाभिन है तो यहाँ पर बहुत सावधान के साथ ही जो भी करें वो विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही करें। फिलहाल इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से हम चर्चा करेंगे गर्मियों में पशु में कौन कौन से रोग और बीमारियां आ सकती हैं और मछली पालन से जुड़ी कुछ और विशेष बातें जानेंगे अपने विशेषज्ञ से। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपके लिए फिर से हम दोहरा देते हैं। आज हम बात करें गर्मियों में पशुओं में होने वाले रोग और बीमारियों पर, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं मछली पालन पर भी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी डिटेल हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए नीचे फ्लैश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक बार फिर से एक दर्शक से। विपिन है जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि भैंस है लेकिन कुछ दिनों से कम पानी पी रही है, तो क्या मतलब समस्या हो सकती है? जानना था, भैंस दूध तो सब बढ़िया दे रही है, खाना भी मतलब जो भूसा है बढ़िया खा रही है, पर पानी कम पी रही है, थोड़ा सा लगता है ऐसा कि कम पानी पीती है, तो इसके क्या समस्या हो सकती है जानना था। दूसरा सवाल मैम ये था कि गर्मियों में हरे चारे की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है और साइलेज भी नहीं है अभी, तो इसके लिए मैम कुछ भैंसें जो होती है वृक्षों की भी पेड़ों की पत्तियां खाती है, तो क्या उनको खिला सकते हैं या क्या खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए? ठीक है, अच्छा सवाल है, हम दोनों पर ही बात करने वाले थे। अच्छा वो अपने सवाल पूछ भी लिया। तो विपिन जी का सर पहला सवाल ये है कि इनकी जो भैंस है उसने पानी कम, बाकी पशुओं के जो पशु हैं उनके उसकी तुलना में वो भैंस कम पानी पी रही है, और हरे चारे का प्रबंध किस तरीके से करें इस मौसम में जब थोड़ी सी समस्या हो जाती है? विपिन जी देखिए, कभी कभी पशु ना पानी कम पीता है या ज़्यादा पीता है उसका ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि पशु की जितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट होगी पानी की उतनी ही मात्रा में वो पानी हमेशा ग्रहण करता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका पशु पानी कम पी रहा है, अगर वो चारा पूरा खा रहा है और ठीक ठाक रह रहा है, दूध में भी कोई कमी नहीं आई है उसके, तो वो पानी ठीक ठाक ही ले रहा होगा, ऐसी आपको सोचने की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल भी पानी नहीं पिया पूरे दिन में उसने, तब थोड़ा सा आप सोचिएगा,
पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पशु को कोई दिक्कत है, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपने हरे चारे की बात की, पेड़ की पत्तियां क्योंकि आपको मिल रही हैं, आप पेड़ की पत्तियां खिला रहे हैं, अगर आप उन पेड़ों की पत्तियां पहले से खिलाते आ रहे हैं हरे चारे के तौर पर, तो आप उन पत्तियों को जरूर खिला सकते हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो दूध देने वाले पशुओं को नहीं खिलाई जाती क्योंकि दूध में उनकी उनसे कमी आ जाती है, तो इस तरह की पत्तियां मत खिलाइएगा। आप थोड़ा पशु चिकित्सक को भी पूछ लीजिएगा कि कौन कौन सी पत्तियां आप खिला सकते हैं। अगर आप पहले से खिलाते आ रहे हैं जिन पत्तियों को, उन पत्तियों से कोई हानि आपके पशु को नहीं होगी। अगर आपके पास में थोड़ा सा हरा चारा अवेलेबल है, क्योंकि जायद के सीजन में हो सकता है आपने कुछ हरा चारा लगाया हो अपने पशुओं के लिए, तो अगर आपके पास में हरा चारा अवेलेबल है तो हरे चारे को आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि सूखे चारे को खाते खाते पशु को थोड़ा सा परेशानी भी होती है, साथ ही साथ दूध के उत्पादन में भी कमी आती है क्योंकि हरे चारे की जरूरत काफ़ी होती है। हरे चारे में ही विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है, तो इसलिए हरे चारा देना बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे शुरू में दिखाया था एक रिपोर्ट में कि आप कंसंट्रेट मिक्सचर भी अपने पशु को ठीक ठाक दीजिएगा, साथ ही साथ हमने बात की थी मिनरल मिक्सचर की, मिनरल मिक्सचर भी 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु हमें देना चाहिए जो दूध देने वाले पशु हैं, जिससे उनके दूध में कभी कमी ना आए। नहीं तो आप मिनरल मिक्सचर अगर नहीं देंगे आपके पशु को तो आप उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ पशु जब आपका ग्याभन होना होगा तो पशु जल्दी से ग्याभन भी नहीं होगा, यानी आपका पशु हीट में भी पूरी तरह से नहीं आएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ छाया में बांधना बहुत जरूरी है इस मौसम में पशु को, ध्यान रखें आपका पशु छाया में बांधा हो, दोनों तरफ से हवा फ्लो करती हो, यानी ऐसा ना हो कि एक तरफ से बंद है एक तरफ से हवा आ रही है, वो भी ठीक नहीं है। दोनों तरफ से अगर हवा फ्लो करेगी तो उससे हवा ठीक ठाक रहेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी इस मौसम में काफी ज्यादा हो गई है, और आप जानते ही हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो तापमान ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो इस मौसम में ऐसा लग रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट हो जाती है उसमें। जी बिल्कुल। चलिए अब मछली पालन पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर सरकार मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मछली पालन पर जो मुख्य सवाल है उस पर हम नहीं आ पाए क्योंकि कई सारे कॉलर्स भी थे, तो चलिए मछली पालन की जो हमारे दर्शक देख रहे हैं शुरुआत करना चाहते हैं, तो सही उपयुक्त समय क्या है और कहां से इसकी शुरुआत करें? पहले तो देखना है जो जहां पे हम मछली पालन करेंगे उसमें सारे बंदोबस्त है क्या नहीं। एक तो है पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। जी जी, पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, और जो तालाब जो है तालाब में चारों तरफ से वो साफ है क्या नहीं। अब मान लीजिए कोई तालाब में जो है आपका जो वाटर हाइसिंथ होता है ना, जो उसको पाना होता है जी, तो पाने से पूरा भरा रहेगा तो फिर हम मछली उसे कैसे पालेंगे? तो वो तालाब को अच्छा से परिचर्या करके उसको साफ सुथरा करके देन उसका बाद उसमें थोड़ा हमको जैसे मैन्योरिंग करना पड़ता है, जैसे कि काउडंग एक मात्रा में देना होता है, उसका बाद लाइम डालना पड़ता है उसका पीएच का मात्रा सही करने के लिए। उसका बाद जो अब ये तालाब रेडी हो जाएगा उसका बाद फिर हमको सोचना है जो कहाँ से हमको अच्छा क्वालिटी का सीड मिलेगा। उसका बाद फिर हम रोहू कतला मृगेल ये तीन वेराइटी, उसका साथ हमारा कुछ विदेशी वेराइटी भी है जैसे कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, ये भी हम 6 प्रजाति का एक साथ हम पालन कर सकते हैं बड़े मछली को उत्पादन करने के लिए, जो कि एक हेक्टेयर में हमको लगभग 4-5 टन मछली आराम से हमको प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है ना जी? और इसमें जो है ओनली मछली का चारा जो है हम 100 mm का फिंगरलिंग उसमें डाल देंगे तो वो जल्दी उसमें अभी खाना भी ठीक टाइमली देंगे 3% ऑफ द बॉडी वेट करके दो बार, और लाइम भी देंगे, और बीच में महीना में हमको एक बार नेटिंग भी करना है सो दैट उसमें कोई एक्सरसाइज हो। मछली तैरते रहेगा ना तो फिर उसमें क्या होगा, उसका एक्सरसाइज होगा और उसका ग्रोथ भी फास्टर मोड में जाएगा, ठीक है। इसका साथ साथ हमको जो खाना जो दे रहा है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज भी सही होना चाहिए, 20-30% प्रोटीन होना चाहिए। जो मछली जो रोहू कतला मृगेल में हम राइस ब्रैन देते हैं ऑयल के, जो मस्टर्ड ऑयल के उसको मिला के देते हैं, उसका साथ पीस मिल दे देते हैं सो दैट इसका ग्रोथ ऑप्टिमम हो और ग्रोथ थोड़ा सा सही हो, ठीक है सर। एक सवाल है सर, राजस्थान से हमारे दर्शक है सलमान, उनका हम सवाल लेते हैं सर। सलमान जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो सलमान जी, मेरे साथ आप फोन लाइन पर हैं क्या? हेलो सलमान जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सलमान जी? चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है या फिर लाइन में कोई गड़बड़ी है। सलमान जी अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप हमें फिर से संपर्क करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी सर, डॉक्टर सरकार आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ
तो इसका साथ साथ हमको ये जो हमने बात बताया जो रोहू कतला मृगेल सिल्वर का ब्रासका ये सब जो प्रजाति है इसका चारा जो है हमको मिल जाता है मार्केट में आजकल जी। है ना, और ये सही टाइम में हम उसको स्टॉकिंग कर देंगे। जैसे कि बरसात का टाइम मछली का चारा उत्पादन शुरू होता है, अभी तो आपका सीजन नहीं है, अभी जून जुलाई में हमारा जो बरसात का टाइम में मछली में जो बच्चे जो होता है जिसको हम लोग फ्राई और फिंगरलिंग बोलते हैं तो वो फार्म पालन कर सकता है, और उसमें सही मात्रा में हम स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन करेंगे और फीड भी खिलाएंगे और सारे जो उसमें हमने बताया मेंटेनेंस वो सही होगा, तो फिर हमारा पास मछली ऐसा एक फायदेमंद बिजनेस है जो कि हम आराम से उसका आय काफी गुण में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, और इसमें लाइवलीहुड से लेके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एक चीज इम्पोर्टेंट है, मछली जो हम सेल करेंगे आप मान लीजिए एक साल बाद जो हमारा प्रोडक्शन आ गया तो एक एक साइज का जो मछली है उसको सॉर्टिंग करके जो एक किलो एंड अबव है ना उसको हम लाइव सेल करेंगे तो उसका उसका कीमत ज्यादा होगा। बिल्कुल, एक तरीके से ग्रेडिंग हम इसे कहें करके अगर हम उसे बाजार में बेचेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और हम आइस में करेंगे और करेंगे तो उसका प्राइस और कम हो जाता है, वो देखना है जो कौन सा कैसे हम मार्केट करेंगे तो उसमें हमको ज्यादा। ठीक है सर, एक कॉलर है सर बिहार से है, विकास जी है फोन लाइन पर। विकास जी स्वागत है, हेलो किसान में, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी, हेलो जी, विकास जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, बताइए सवाल बताए। जैसे मान लीजिए सीमेंट डलवाते हैं, 21 दिन होता है फिर मतलब हिट हो जाती है गाय, सीमेंट रखती नहीं है। नहीं समझ आया, एक बार फिर से सवाल बताइए। जैसे जो हीट होती है ना गाय हीटर, हाँ। गर्म हो जाती है तो सीमेंट डलवाते हैं, सीमेंट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गैप भी नहीं हो पाती है, हीट में आती है तो जी। हाँ, हाँ। 21 दिन के बाद फिर मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा ठीक है सर। विकास जी आपकी गाय रिपीट ब्रीडर है जैसा आप कह रहे हैं, बार बार आप सीमन डलवा रहे हैं और गाभिन नहीं हो रही है, तो इसके लिए तो आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं, क्योंकि हो सकता है आपके पास में एआई टेक्नीशियन हो जिसके कारण से वो गाय ठीक से एआई ना हो पा रही हो, तो पशु चिकित्सक को बुलवा लें, उन्हें गाय को दिखाएं। कई बार क्या होता है पशु की योनि में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण सफ़ेद रंग का, क्योंकि क्लियर डिस्चार्ज आना चाहिए जब वो गाय हीट में आती है, अगर क्लियर डिस्चार्ज नहीं आ रहा है हो सकता है उसका थोड़ा सा सफ़ेद रंग लिया हुआ वो डिस्चार्ज, तो उसके कारण हो सकता है कि उसके अंदर में कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर उसमें दवाई डाल करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है विकास जी कि आपका जो एआई टेक्नीशियन है वो काफी अच्छा पूरी तरह से हो, हाँ ठीक से वो एआई करना जानता हो, आप थोड़ी सी उसके बारे में सूचना भी इकट्ठी कर लीजिए कि दूसरी गायों में करता है तो वो गाभिन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस तरह की अगर आपके पास में जानकारी होगी आपका एआई टेक्नीशियन ठीक ठाक होगा तो आपकी गाय गाभिन हो जाएगी। साथ ही साथ सीमन का भी ध्यान बहुत रखना होगा आपको, क्योंकि आप किस सीमन से करा रहे हैं, विदेशी सीमन से एआई करवा रहे हैं कि जर्सी है होल्स्टीन फ्रीजियन है उसके सीमन से करवा रहे हैं, या आप देशी नस्लों के सीमन से एआई करवा रहे हैं जिसमें थारपारकर होगी, रेड सिंधी होगी, साहिवाल होगी और गिर गाय होगी, तो इनसे भी आप एआई करा सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गाय जरूर गाभित होगी। जी जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक दर्शक है प्रवीण जी जिनका व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है, उनका सवाल लेंगे, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहे हेलो किसान। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6-7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान, और हमारे दर्शक सलमान जी जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया था हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से लाइन पर। सलमान जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। सलमान
जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, बताइए सवाल बताए। जी हमारी गाय चारा पानी नहीं खा रही है, डॉक्टर वो चेक करवाया तो बता रहे हैं इसको लू लग गई। अच्छा लू लग गई, चलिए बहुत सर इस पर भी कि पशु को लू लग गई है तो क्या करें और इसके लक्षण क्या क्या है? देखिए इसके जो लक्षण मुख्य लक्षण होते हैं, पशु के शरीर से जो पसीना है वो काफ़ी निकल रहा होगा शुरुआत में, जब शुरुआत में उसको लू लगी होगी तब आपने देखा होगा कि पशु गीला है। जैसे गाय के शरीर में चारों तरफ स्वेट ग्लैंड होते हैं तो उनका शरीर गीला हो जाता है। भैंसों के शरीर पर जो है स्वेट ग्लैंड आगे की तरफ मुंह के आसपास में ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर सूखापन आ जाता है कई बारी ज़्यादा पसीना निकलने के बाद में, क्योंकि पानी की हानि काफ़ी हो जाती है पशु में इन दिनों में, तो इसलिए आपका पशु भी चारा पानी खाना छोड़ दिया होगा। इसके लिए आपको पशु चिकित्सक से जानकारी लेनी थी, पशु चिकित्सक ने शायद देखा भी होगा, उसे शायद कहा होगा कि कुछ दवाइयां उसको चढ़ानी होगी, आईवी फ्लूइड इसमें दिया जाता है लू लगने के बाद में, तो आईवी फ्लूइड आपके पशु चिकित्सक उसको लगाएंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए इस पशु का कि जब भी आप देखें इसको थोड़ा सा मुलायम चारा या अच्छा चारा, अच्छी किस्म का चारा देने की कोशिश करें, हरा चारा रखें इसके पास में, थोड़ा सा लिमलिंग करना शुरू करेगा ना अपने मुंह में, जब वो चारा चबाना शुरू करेगा उसको थोड़ा सा ठीक लगने लग जाएगा। पानी की मात्रा बिल्कुल ठंडी रखें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कि ठंडा पानी ही आप अपने पशु को दें आप इस मौसम में, क्योंकि अगर आप गर्म पानी देंगे तो और ज़्यादा गर्मी शरीर में बढ़ेगी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बर्फ़ डाल के पानी आप पिलाएं, ऐसा नहीं है। ठंडा पानी मतलब आप हाथ रख के जब छूते हैं तो आपको ठंडा लगे वैसा ही पानी आपको पिलाना है अपने पशुओं को। बार बार ये भी जानकारी आपको दी जा रही है कि बैलेंस्ड राशन आप अपने पशुओं को दें, तो बैलेंस्ड राशन की सूचना भी आप अपने पशु चिकित्सक से प्राप्त कर लें। पशु चिकित्सक को 2-3 बार शायद आपके पशु चिकित्सक इस गाय या भैंस को देखेंगे, पर यह ध्यान रखें कि वो गोबर कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर पशु ने गोबर करना थोड़ा सा बंद कर दिया है तो उसकी जानकारी भी आप अपने पशु चिकित्सक को दें कि मेरा पशु बिल्कुल भी गोबर नहीं कर रहा है। इन दिनों में ये बीमारी हो जाती है, पशु को बंद लग जाता है, गोबर नहीं करता है वो, तो उसकी जानकारी आप अपने पशु चिकित्सक को समय पर देंगे तो आपका पशु बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी ठीक है सर, एक और हम सवाल लेते हैं और ये प्रवीण सिंह है बस्ती उत्तर प्रदेश से, और इनका कहना है कि पहले इनकी भैंस 2 बार दूध दिया करती थी लेकिन अब ये घटकर 1 बार हो गया है, और साथ ही इन्होंने भी जानकारी दी है कि इनकी भैंस गाभिन है। सर देखिए आपका पशु कितने दिन से दूध दे रहा है इसकी जानकारी आपने नहीं दी है, क्योंकि आपका पशु जो हमारा भैंस के वो है लैक्टेशन पीरियड वो करीब करीब 250 से 300 दिन के आसपास का लैक्टेशन पीरियड होता है। हो सकता है लेटर लैक्टेशन पीरियड में, यानी उसने 100-150-200 दिन का दूध दे दिया हो, तो लेटर लैक्टेशन पीरियड में पशु एक समय ही दूध देने लग जाता है, कई बार ऐसा होता है। पर लेकिन आप अपने पशु के चारे की मात्रा का पूरा ध्यान रखें, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है इन दिनों में, तो कैल्शियम की मात्रा का पूरा ध्यान रखें। तो अपने पशु चिकित्सक को पूछ लें कि कौन सा कैल्शियम देना उसके लिए ठीक रहेगा। कैल्फॉस AD3 नामक दवाई भी आती है, तो इस पाउडर को भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, पर कैल्शियम जब आप दें तो 50 ग्राम के आसपास 60 ग्राम के आसपास कैल्शियम उसको रोज आप दे सकते हैं। तो ये इतना कैल्शियम अगर आप उसको रखेंगे उसकी डाइट में तो हो सकता है पशु दूसरे बार भी दूसरे समय भी दूध देने लग जाए, यानी सुबह भी दूध दे दे शाम को भी दूध दे दे। कुछ कुछ पशुओं में ऐसी दिक्कत आ जाती है और उसके लिए यही है कि आप कैल्शियम की मात्रा का रखें, चारे का ध्यान रखें और पशु को थोड़ी सी ठंडी जगह पर बांधें इन दिनों में, क्योंकि गर्मी तो आपको भी लग रही होगी, हमें भी लग रही है, तो हमारे पशुओं को भी ज़रूर लगेगी। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक अपनी जो समस्या है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और आइए बात करते हैं मछली पालन पर और डॉक्टर सरकार के पास चलते। डॉक्टर सरकार आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? जी सर, बहुत सारी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कौन कौन सी अच्छी किस्में ले सकते हैं हमारे किसान, और इसमें और एक चीज हमको बोलना था। जी बताइए सर। जैसे कि मान लीजिए बड़े मछली का साथ साथ ना हमारे पास जो रंगीन मछली भी बहुत सारे प्रजातियों का है, तो रंगीन मछली भी हमारा जो घर का जो फैमिली है ना वो भी जोड़ के उनको हस्बैंड वाइफ मिल के भी हम ऑर्नामेंटल रंगीन मछली पालन में एक फायदा क्या है, इसमें बड़े बड़े तालाब का जरूरत नहीं है, उनका पास कोई भी छोटे सीमेंट टैंक हो या कोई भी आपका मिट्टी का अर्दन पॉट जैसे होता है और भी एक्वेरियम जो बना लेते हैं शीशे का, उसमें भी वो मछली का रंगीन मछली का पालन करके उसका रोजी रोटी कमा सकते हैं। बहुत सारा वेराइटीज का मछली है जो की हाई वैल्यू है, एक एक मछली का रंगीन मछली देखने में जो है छोटा साइज का है बट उसका कीमत 500 से लेके
1000 रुपया तक भी होता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे पालन करेगा, उसका तकनीकी विकास सारे कुछ उपलब्ध है। तो कोई भी हमारा कृषक भाई किसी का भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारा साथ संपर्क कर सकता है, जो रंगीन मछली पालन का डिटेल जानकारी उनको दिया जाएगा। उसका साथ कोई भी प्रशिक्षण का जरूरत हो रंगीन मछली का साथ साथ जो नया नया टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, जीन बैंक टेक्नोलॉजी, इसका साथ झींगा मछली का पालन कैसे होगा, कार्ट फिश पालन कैसे होगा, तो ये सारे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ऊपर जो किसी को कोई जानकारी लेना है ज्यादा से ज्यादा तो वो हमारा संस्थान में आ सकता है, वह उनका नियरेस्ट कोई जगह में जाके भी हम उनको दे सकते हैं। नंबर भी आपने नंबर भी सर शेयर कर दिया था हमारे साथ। हमारे पास बहुत सारा प्रोग्राम होता है, जैसे कि मिनिस्ट्री का अंडर में जो SCSP मींस सिविल का सब प्लान में है, TSP में है, तो इसमें क्या है ना बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटी हम लोग करते हैं और कोने कोने में, लक्षद्वीप से लेके सुंदरबन से लेके आपका नॉर्थ बंगाल से लेके वेस्टर्न घाट, तो सारे जो आपका जियोग्राफिकल कवरेज है इसमें हम चाहते हैं जो सर मछली पालन से जुड़ा एक सवाल है, माफ कीजिएगा मैं आपके बीच में रोक रही हूँ सर, हमारे दर्शक हैं उमा शंकर जिन्होंने बस्ती उत्तर प्रदेश से हमें ये कॉल किया है, मछली पालन से जुड़ा ही इनका प्रश्न, हम जल्दी से ले लेते हैं उनका सवाल फिर ब्रेक पर जाएंगे। उमा शंकर जी बताइए क्या सवाल है, डॉक्टर सरकार आपको सुन रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमने मछली पालन कर रखा है जी, बहुत अच्छी बात है, जिसमें जो उनके चारा के बारे में पूछा, उनके वजन के हिसाब से कितना चारा देना चाहिए जी। अब देखिए जब आप मछली जब आप छोड़ेंगे ना तो उसका जो आप मान लीजिए आप सब मिलाकर उसका वजन, जब आप रूपचंद और ग्रास और रोहू पाल रखा है और हाँ उनके वजन से कितना चारा देना चाहिए, आप 3-4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो आएगा उस हिसाब से आप दिन में 2 बार आप देंगे सुबह और शाम को, ठीक है, 3-4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। थोड़ा मछली जो आपने छोड़ा है मान लीजिए 1 टन 1 टन मछली आपने छोड़ा सबका वेट मिला के, उसका 3-4% से ज्यादा आपको नहीं देना है। विंटर का टाइम जारे का टाइम आपको मछली का खाना देना कम कर देना है, 1% मैक्सिमम देना है, और गर्मी का टाइम आप ज्यादा दे सकते हैं सुबह शाम, ठीक है, 3% से ज्यादा मत दीजिए खाना, आप ज्यादा क्यों देंगे उसमें तो वेस्टेज होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो खाना आपको देख के देना है जो मछली खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ओके, ये सब देख के देना है। बिल्कुल ठीक। चलिए सर हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा और दर्शकों से कहेंगे अभी भी थोड़ा समय बाकी है, अगर आपके सवाल हम तक नहीं पहुँचे हैं तो आप ज़रूर हमें अपने सवाल बताएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहां हर सरकारी स्कीम की जानकारी, जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान, आज का विषय है मछली पालन और साथ ही गर्मियों में पशुओं में कौन कौन से रोग और बीमारियां हो सकती हैं, कैसे उन्हें आप स्वस्थ रखें। और एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है, हालांकि जो दर्शक हैं उन्होंने ना अपना नाम लिखा है ना ही कहाँ से उन्होंने सवाल भेजा ये भी नहीं जानकारी दी, लेकिन फिर भी हम सवाल ले लेते हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं तो ज़रूर समझ जाएंगे कि किसने सवाल किया है। तो ये हमारे दर्शक है, कह रहे 1 एकड़ में, 1 एकड़ का इनका ये तालाब है, इसमें कितनी सीड्स डालने की आवश्यकता है, अलग अलग किस्मों की मछली पालन करना चाहते हैं, डॉक्टर सरकार? एक तो है देखिए, जो हम पर हेक्टेयर का बात करें तो 5000 फिंगरलिंग पर हेक्टेयर हम डालते हैं, ठीक है ना, तो 5000 फिंगरलिंग पर हेक्टेयर जो है ये आपका स्टैंडर्ड रेट है जिसमें हम लोग मछली तालाब में छोड़ते हैं, और जो फिंगरलिंग का साइज होता है वो 100 mm का आसपास होता है, 100-120 mm इस लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो और कतला आपका देगा, मान लीजिए कतला आपका 3:4:2
6 ये कॉम्बिनेशन होगा, 3:4:6 ठीक है, तो कतला रोहू एंड मृगल। ठीक है सर, तो ये आप इन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि कहाँ से दर्शक नाम भी नहीं लिखा और बताया भी नहीं कि कहाँ से सवाल भेज रहे हैं, तो दर्शकों से हम यहाँ पर एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें सवाल बताएं, चाहे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, तो अपने नाम के साथ कहाँ से आप ये सवाल भेज रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर क्या प्रचलित है, उस बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, उसी के अनुसार ही हम आपको उचित जवाब दे पाएंगे। अब सर गर्मियों पर आते हैं और हरे चारे पर कुछ हमने डिस्कशन कर लिया, अब मैं जानना चाहूँगी कि देखिए गर्मियों में एक तो हुआ कि लू लग जाना पशु को, जिसमें आपने बताया बहुत पसीना निकलता है, दूसरा एक हफनी जैसी समस्या, मतलब पशु हाँफने लगते हैं, और एंग्जाइटी मतलब व्याकुलता भी देखने को मिलती है, तो ये गर्मी की वजह से होता है, क्या क्या करना चाहिए ऐसे में? हाँ, ये गर्मी की वजह से काफ़ी देखा जाता है पशुओं में। देखिए जो विदेशी नस्लें हैं ना, हमारे पशुपालक जानते ही हैं, वो हाँफने लग जाती हैं, मुंह खोल के सांस लेंगी, जोर जोर से आवाज़ करेंगी जब सांस लेंगी, तो ये विदेशी नस्लों में ये पाया जाता है, विशेषकर होल्स्टीन फ्रीजियन में आप देखते होंगे, जर्सी गाय में भी ये समस्या देखी जाती है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होने लग जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है, पशु बैठता नहीं है जल्दी से, पशु चारा कम खाने लग जाता है, पशु के दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादकता भी कम होती जाती है, क्योंकि आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे पशुओं पर पड़ेगा, जिसके लिए हमने कहा है कि देशी नस्लों का बहुत जरूरी है कि देशी नस्लें हम रखें, जो हमारी हमारी नस्लें हैं उनकी उष्म साध्यता बड़ी अच्छी है, वो गर्मी को सहने की क्षमता बड़ी अच्छी है, वो किसी भी तरह के चारे में रहकर अच्छे से रह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे विदेशी नस्लों की, जहाँ हफनी हो रही है या पशु हाँफ रहा है तो उसकी कैसे ख्याल रखें, तो आप इनके लिए पंखे लगवा सकते हैं, अगर आप पंखे लगाने की क्षमता रखते हैं, अगर ऐसा नहीं है आपके पास में तो इनको धूप के समय में अंदर बांध के रखें, और ऐसा आप शेड बनाएं कि दोनों तरफ से थोड़ा खुला हो जिससे हवा का बहाव बना रहे, साथ ही साथ जब शाम हो जाती है पेड़ के नीचे छाया में, आपके पास में अच्छा पेड़ है तो उसकी छाया में बांध दें, साथ ही साथ उसको ठंडा पानी पिलाएं, जो बार बार हम कह रहे हैं कि ठंडा पानी ही आपको पिलाना होगा, बहुत ठंडा नहीं, ठीक ठीक ठंडा पानी आप उसको पिलाएं, हरा चारा खिलाएं। जी पशुपालन से जुड़ा सवाल है, गोवर्धन हमारे दर्शक है उत्तर प्रदेश से सवाल कर रहे हैं, जी गोवर्धन जी बताएं जल्दी से सवाल क्या आपका। मेरा सवाल ये है कि अपने पास गाय है, गाय हीट पे नहीं आ रही है। ठीक है, गाय हीट में नहीं आ रही। अच्छा सर जल्दी से ये भी बता दें कि ये तो अच्छा, कुछ और भी सवाल है आपका गोवर्धन जी, कुछ और भी जानना चाहते हैं आप? बस यही सवाल है मैडम जी, अपने पास समस्या है, ये गाय हीट पे नहीं आ रही। सर गर्मी का भी क्या प्रभाव रहता है कि पशु हीट में ना? जी हाँ, गर्मी का प्रभाव भी रहता है, पशु हीट में नहीं आता, थोड़ा सा बैलेंस न्यूट्रिशन का भी सवाल रहता है, अगर पशु को ये मिनरल मिक्सर नहीं दे रहे हो, जैसा शुरू में हमारी रिपोर्ट में कहा गया था कि मिनरल मिक्सर भी बहुत जरूरी है, पशु को देना चाहिए, कैल्शियम थोड़ा सा पशु को देना चाहिए, अगर हीट में नहीं आ रही है तो पशु चिकित्सक को ये दिखा सकते हैं, कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक कर सकते हैं कि पशु हीट में नहीं आ रहा है, साथ ही साथ कुछ दवाइयां भी बाजार में मिलती हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपका पशु समय पर हीट में आ जाए। ठीक है सर जी, अब डॉक्टर सरकार के पास चलते हैं सर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैं चाहूंगी कुछ हमारे दर्शकों को जो मछली पालन से जुड़े हैं या फिर करना चाहते हैं कुछ और पॉइंट्स, कुछ और जानकारियां देना चाहेंगे। ये जो है आपका, जैसे कि हम बात कर रहा था जो रंगीन मछली पालन का है ना, इसका साथ साथ बहुत सारा हाई वैल्यू मछली है जो कि फूड के हिसाब से चलते हैं, जैसे आपका पबदा एक प्रजाति है बायमाकुलेटस, जिसका कीमत आप मान लीजिए 500 से 800 रुपये पर किलो प्रति मार्केट में सेल होता है। इसका साथ एक है आपका टेंगन मछली, मीन्स मिस्टस बिटेटस मिस्टस टेंगरा, तो ये जो मिस्टस गुलियो, ये तीन प्रजातियों का मछली का कीमत बहुत ज़्यादा हाई है, लाइव है तो फिर आई एम टेलिंग दी आपको जो रेट बता रहा है, जो लाइव मछली होगा टेंगन का तो 800 से 1000 रुपया किलो तक भी बेचता है। इसलिए हम कृषक बंधु को अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो भी ये नया नया जो डाइवर्सिफाइड मछली है जिसमें हाई वैल्यू मिलता है और उसका पालन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, सीड अवेलेबिलिटी इज ए इशू, तो सीड अवेलेबिलिटी वो कई जगह में है जहाँ पे मिलता है, थ्रू आउट द कंट्री नहीं मिलता है, तो वो कोई भी उत्सुक फार्मर हो या कोई भी इनोवेटिव फार्मर हो जिसको कुछ नया कुछ करके दिखाना जी, है जी, जी, बिल्कुल। तो वो हम लोगों से संपर्क करे, उसको हम लोग सही दिशा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश करूंगा, जी, जी, और ठीक उसका साथ साथ सीड कहाँ से उपलब्ध होगा, क्या खाना देगा, क्या परिचर्या करेंगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरकार,
और जैसा कि आपने दर्शकों से कहा है कि वो आपके इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, तो दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं कि सर हमारे साथ हैं जो कि निदेशक है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से। तो आप इंटरनेट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं और नंबर भी हमने कार्यक्रम के दौरान शेयर किया था। डॉक्टर सरकार बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर जी। और अब गर्मियों में रोग और बीमारियों की बात कर लेते हैं सर। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो मैं आपसे भी चाहूँगी कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो अभी आपको लगता है कुछ पॉइंट जो हमने टच नहीं किए। ये बहुत ज़रूरी है कि गर्मियों में हम अपने पशुओं का ध्यान रखें, खासकर जो आपके पास में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो सूखे स्थान में, छांव वाले स्थान में उनको बांधें, पानी का ध्यान रखें, पानी समय पर पिलाएं अपने पशु को, चारा समय पर दें, बैलेंस्ड राशन दें, जिसमें बैलेंस्ड राशन कहने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा सा चोकर, दाना, चूरी, ये सारी चीज़ें हों, खल हो, साथ ही साथ अगर आप सूखा चारा दे रहे हैं तो भूसा ऐसा मत डालें कि सूखा का सूखा भूसा आपने डाल दिया, उसको थोड़ा सा गीला करके सानी बनाकर अपने पशुओं को दें, जो पैलेटेबल बढ़ जाए, पैलेटेबिलिटी उसकी बढ़ जाए, अच्छे से पशु आपका खा भी लें। साथ ही साथ मिनरल मिक्सर की बार बार हम बात कर रहे थे, मिनरल मिक्सर का ध्यान रखें। अब बरसात में आने वाली बीमारियों की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने पशुओं का, क्योंकि अब बरसात भी आनी शुरू हो जाएगी, 15-20 दिन हमारे बचे हैं खाली, तो उसमें टीके लगवाने हैं आपके अपने पशुओं को, तो टीके लगवाएं, FMD का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि FMD के टीके भी लगाए जाते हैं, इस मौसम में भी लग रहे होंगे शायद आपके आसपास में, तो अपने पशुओं को भी आप जरूर लगाएं। ध्यान रखें अपने पशुओं का कि दूध उत्पादन में कोई कमी तो नहीं आ गई है, और कोई कमी आ गई तो पशु चिकित्सक को जरूर दिखाएं। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जो जानकारी आज हमें भूषण जी ने दी है पूरी कार्यक्रम के दौरान, उसका भी ध्यान रखें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके पशु इस गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, उनकी उत्पादकता बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं इस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है श्री अन्न की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर भी। अगर आपके कोई सवाल हैं दोनों विषय से जुड़े हुए तो आप हमें पहले से भेज सकते हैं, इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है ये भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा इस कार्यक्रम के बाद भी, 1800-113-060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और जानकारी आप दे दें आपको कि अगर आप हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं देख पाए, बीच में से देखा या फिर कोई जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं, तो इस QR कोड को अवश्य आप स्कैन करें या फिर @DDKisan चैनल जो कि हमारा यूट्यूब ID है इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हेलो किसान कार्यक्रम को भी यूट्यूब पर देखें। फिलहाल इजाजत लेंगे आपसे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।